स्वागत है आपका सीएम की गरज में। तो आपके लिए हम वीकली करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का टेस्ट लेके आए, तो आप लोग इस टेस्ट को पूरा जरूर अटेम्प्ट करें और साथ में ही अपने आंसर जरूर कमेंट करते रहें। तो चलिए टेस्ट शुरू करते हैं। तो विश्व खाद्य दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व खाद्य दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो आप लोग अपना आंसर कमेंट करिए। तो ये मनाया जाता है 16 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस को मनाया गया था? तो गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तारीख को मनाया गया? तो ये मनाया गया था 17 अक्टूबर को। कब मनाया गया था? 17 अक्टूबर को मनाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व आघात दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व आघात दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो आप लोग अपना आंसर कमेंट करिए। तो ये मनाया जाता है 17 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कहाँ लोक कलाओं को समर्पित 11 दिवसीय लोक रंग महोत्सव आयोजित होगा? तो ये कहाँ पर होगा, लोक कलाओं को समर्पित 11 दिवसीय लोक रंग महोत्सव? अब लोग आंसर कमेंट करिए। तो ये होगा जयपुर में। कहाँ होगा? जयपुर में होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारतीय सेना ने निम्न में से कहाँ आयोजित 2023 कैबरियन गश्ती सैन्य अभ्यास में स्वर्ण पदक जीता है? तो कैबरियन गश्ती सैन्य अभ्यास में स्वर्ण पदक कहाँ पर जीता है, आप लोग आंसर कमेंट करिए। तो ये जीता है ब्रिटेन में। कहाँ पर जीता है? ब्रिटेन में जीता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में आई पेंटागन की रिपोर्ट के अनुसार कौन देश तेजी से अपने परमाणु शस्त्रागार का विस्तार कर रहा है? तो पेंटागन की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा ऐसा देश है जो अपने परमाणु शस्त्रागार का विस्तार बहुत तेजी से कर रहा है, कमेंट करिए आंसर। तो ये है चीन। कौन सा देश है? चीन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस कोर्ट ने सेम सेक्स मैरिज को मान्यता देने से इनकार कर दिया? तो ये किस कोर्ट ने इनकार किया है सेम सेक्स मैरिज को मान्यता देने से? तो ये इनकार किया है सुप्रीम कोर्ट ने। किसने इनकार किया है? सुप्रीम कोर्ट ने इनकार किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में निम्न में से कौन सा देश गाजा में मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए सीमा खोलने के लिए सहमत हुआ है? तो कौन सा देश है जो मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए सहमत हुआ है, आप लोग आंसर कमेंट करिए। तो ये है मिस्र। कौन सा देश हुआ है? मिस्र देश हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में सघन मिशन इंद्रधनुष अभियान लॉन्च किया गया, तो हाल ही में सघन मिशन इंद्रधनुष का कौन सा वर्जन अभियान लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है 5.0। कौन सा? 5.0 लॉन्च किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैश्विक भूख सूचकांक ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत को 125 देशों में कौन से स्थान पर रखा गया है? तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत को कौन से स्थान पर रखा गया है? तो ये रखा गया है कौन से स्थान पर? 111वें स्थान पर। कौन से स्थान पर? 111वें स्थान पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने हाल ही में सभी राज्यों को ऑटोमेटिक परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री अपार लागू करने की सलाह दी है? तो किसने दी? किस केंद्रीय मंत्रालय ने दी है, तो आप लोग अपना आंसर कमेंट करिए। तो ये दी है शिक्षा ने। किसने दी है? शिक्षा ने दी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में यूके सरकार ने स्मार्ट डिस्ट्रिक्ट परियोजना के लिए किस भारतीय राज्य के साथ समझौता किया है? तो यूके सरकार ने स्मार्ट डिस्ट्रिक्ट परियोजना के लिए किस भारतीय राज्य के साथ समझौता किया है, तो आप लोग अपना आंसर कमेंट करिए। तो ये किया है तमिलनाडु ने। किसने किया है? तमिलनाडु ने किया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कहाँ बहुप्रतीक्षित विस्टाडोक ड्रेन सेवाओं का शुभारंभ किया गया है? तो कहाँ पर बहुप्रतीक्षित विस्टाडोन ट्रेन सेवाओं का शुभारंभ किया गया है? तो ये किया गया है कहाँ पर? जम्मू और कश्मीर में। कहाँ पर किया गया है? जम्मू और कश्मीर में किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत और किस देश के बीच झूलाघाट सस्पेंशन ब्रिज पूरी तरह से चालू हो गया? तो भारत और किस देश के बीच झूलाघाट सस्पेंशन ब्रिज पूरी तरह से चालू हुआ है? तो ये हुआ है भारत और नेपाल के बीच। किस देश के बीच? भारत और नेपाल के देश के बीच। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
हाल ही में निम्न में से किसने मुंबई में आयोजित ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 GMIS के तीसरे संस्करण का उद्घाटन किया है? तो ये उद्घाटन किसने किया है? तो ये उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में निम्न में से किस राज्य में प्रधानमंत्री मोदी जी ने 511 प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्य विकास केंद्रों का शुभारंभ किया है? तो 511 प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्य विकास केंद्रों का शुभारंभ कहाँ पर किया है मोदी जी ने? तो ये किया है महाराष्ट्र में। कहाँ पर किया है? महाराष्ट्र में किया। चलो ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में निम्न में से किसने बिहार में चौथे कृषि रोड मैप 2023-2028 का शुभारंभ किया है? तो बिहार में चौथे कृषि रोड मैप का शुभारंभ किसने किया है? तो ये किया है, किसने किया है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने। किसने किया है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार पिछड़ा वर्ग जाति जनगणना शुरू करेगी? तो कौन सी राज्य सरकार है जो पिछड़ा वर्ग जाति जनगणना शुरू करेगी? तो ये करेगी कौन सी? आंध्र प्रदेश। कौन सी सरकार? आंध्र प्रदेश सरकार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कहाँ पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय का निर्माण किया गया जाएगा? तो पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय का निर्माण कहाँ पर किया जाएगा? तो ये किया जाएगा गोरखपुर में। कहाँ पर किया जाएगा? गोरखपुर में किया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कहाँ भगवान बुद्ध की 51 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी? तो 51 भगवान बुद्ध की 51 फीट ऊंची प्रतिमा कहाँ पर स्थापित की जाएगी? तो ये की जाएगी कौशाम्बी में। कहाँ पर की जाएगी? कौशाम्बी में की जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में निम्न में से किस राज्य के मंत्रिमंडल ने विशेष बाघ सुरक्षा बल को मंजूरी दी है? तो किस राज्य के मंत्रिमंडल ने विशेष बाघ सुरक्षा बल को मंजूरी दी है? तो ये दी है अरुणाचल प्रदेश ने। किस देश सरकार, किस राज्य ने दी है? तो अरुणाचल प्रदेश ने दी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत और किस देश ने नई दिल्ली में सैन्य उप समिति की बैठक आयोजित की है? तो भारत और किस देश ने नई दिल्ली में सैन्य उप समिति की बैठक आयोजित की है? तो ये की है फ्रांस ने। किसने की है? फ्रांस ने की है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत ने कब तक चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने का लक्ष्य रखा? तो भारत ने कब तक चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने का लक्ष्य रखा है? तो ये रखा है 2040 तक। कब? 2040 तक रखा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत कब तक वैश्विक यात्रा पर सबसे बड़ा खर्च करने वाला चौथा देश बन जाएगा? तो कब तक भारत वैश्विक यात्रा पर सबसे बड़ा खर्च करने वाला चौथा देश बन जाएगा? तो ये बन जाएगा 2030 तक। कब तक बन जाएगा? 2030 तक बन जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय हस्तशिल्प प्रदर्शनी गांधी बुनकर मेला किस शहर में आयोजित किया गया? तो गांधी बुनकर मेला किस शहर में आयोजित किया गया था? तो ये आयोजित किया गया था कोलकाता में। कहाँ आयोजित किया गया था? कोलकाता में आयोजित किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की पहली रीजनल रेल रैपिडेक्स पहले फेज में कितने किलोमीटर तक चलाया जा रहा है? तो पहले फेज में ये कितने किलोमीटर तक चलाया जा रहा है? तो ये चलाया जा रहा है 17 किलोमीटर तक। कितने किलोमीटर तक? 17 किलोमीटर तक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस राज्य में रघुवर दास को राज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो रघुवर दास को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है, आप लोग अपना आंसर कमेंट करिए, तो ये नियुक्त किया गया है उड़ीसा को। किस राज्य को? उड़ीसा राज्य को। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विश्व सांख्यिकी दिवस को मनाया गया, तो विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया है 20 अक्टूबर को। कब मनाया गया? 20 अक्टूबर को मनाया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की मंजूरी दे दी है? तो कितने प्रतिशत बढ़ोतरी की मंजूरी दी गई है कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में? तो यह दी गई है 4% की। कितने प्रतिशत की? 4% की। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिशन चंद्रयान 3 में पर गतिविधि आधारित वेब पोर्टल अपना चंद्रयान किसने लॉन्च किया है? तो
मिशन चंद्रयान 3 पर गतिविधि आधारित वेब पोर्टल अपना चंद्रयान किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है धर्मेंद्र प्रधान ने। किसने लॉन्च किया? धर्मेंद्र प्रधान ने लॉन्च किया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र सरकार ने 2024-25 सत्र के लिए गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य को कितने रुपए बढ़ाया है? तो केंद्र ने 2024-25 सत्र के लिए गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य को कितने रुपए बढ़ाया है? तो ये बढ़ाया है 150 रुपये। कितने रुपए? 150 रुपये बढ़ाया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने चौथे एशियाई पैरा खेलों का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो किस देश में चौथे एशियाई पैरा खेलों का आयोजन किया जाएगा? तो ये किया जाएगा चीन में। किस देश में? चीन में किया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने निम्न में से किस देश में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो किस देश में किया है? तो ये किया है वियतनाम में। कहाँ पर किया है? वियतनाम में किया है। तो आप लोगों के इस टेस्ट में कितने क्वेश्चन आंसर सही हुए, तो आप लोग अपना स्कोर ज़रूर कमेंट करें, और ऐसे ही क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें।